महादेव गुरु कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको BHU से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिसको लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान और चिंतित हो गए हैं और आप लोग को कहीं से भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी। फिलहाल देखिए आप सभी के लिए, मैं अभी सेंट्रल ऑफिस गया था और वहीं यही पता करने गया था कि आगे की जो प्रक्रिया है वो कब तक शुरू होने की संभावना है और क्या आप लोग इस वर्ष जो है एडमिशन आप ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे, कि एक आध साल और आप लोग का जो है एडमिशन में टाइम लगेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अभी कोई भी मुझे अपडेट नहीं मिला है। तो जैसे मैं आप लोग के लिए परेशान हूँ, आप लोग भी आराम से घर पर बैठिए, परेशान रहिए और आपके पास और कोई समाधान नहीं है, ठीक है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, आराम से उन्होंने बोला है कि आराम से हम करेंगे। UG का हमने पूछा तो UG का तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। मतलब हमको तो लगता है सिस्टमों पर कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो यूजी वाले तो बिल्कुल भी एकदम परेशान हो कि उनका कुछ नहीं हो रहा है। अब उसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो खाली इन्फॉर्मेशन लेके जा सकता हूँ और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकता हूँ। बाकी आप लोग इस पर ऐसी कंडीशन हो गई कि मुझे खुद हंसी आता, नहीं कहते कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर कुछ डर ही खत्म हो जाए, वही होता है कि किसी को इतना भी बेशरम मत बनाओ कि एकदम बेशरम नहीं हो जाए। मतलब कुछ इस प्रकार से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको भी, तो हमको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस मैं आप तक यही इन्फॉर्मेशन सोचता हूँ पहुँचा दूँ बीच बीच में, ताकि आप लोग भी जो है थोड़ा बहुत आप लोग को भी मिलता रहे। बाकी UG का तो कुछ नहीं है, बस PG वाले ये बता देता हूँ कि PG वालों का चल रहा है, PG वालों को काउंसलिंग वगैरह भी अपडेट मिल रहा है और उन लोगों को यही कहा गया कि PG वाले जितने बच्चे हैं वो अपना पोर्टल चेक करते रहें, क्योंकि आप लोगों को जो है अलॉटमेंट आपके पोर्टल पे जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग रोज़ पोर्टल अपना चेक करिए, क्योंकि एक दिन भी अगर आप छोड़ देंगे तो फिर अगला राउंड आ जाएगा, फिर आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। तो PG वाले बच्चे हमेशा अपडेट रहें और पल पल की अपडेट वहाँ पर पोर्टल पर लेते रहें। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे PG का ये पूछ रहे हैं कि भैया कटअप नहीं मिल पा रहा है, कटअप क्या कैसे पता चलेगा। तो देखो बाबू, PG का जो एडमिशन प्रक्रिया चलती है वो होता है डिपार्टमेंट अपना खुद लेता है, ठीक है। UG का जो होता है वो सेंट्रल ऑफिस से होता है। तो PG वाले का जितना भी है, मान लो हिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया आपका, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट हो गया, तो ये लोग क्या होता है खुद अपना लेते हैं और अपना काउंसलिंग पूरा करवाते हैं। इनकी अलग अलग हर डिपार्टमेंट में टीम बैठी रहती है, तो इनके पास पूरी कटअप का लिस्ट रहती है। हमारे पास भी कटअप का लिस्ट आ जाता है, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं कहाँ कहाँ कितने डिपार्टमेंट का कटअप बताऊँगा, मेरे को खुद पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं सारे डिपार्टमेंट का कटअप जो है वीडियो बना पाऊँ वो बता पाऊँ, इसीलिए मैं जाता भी नहीं हूँ और ना पूछता हूँ। और वो लोग PG के कटअप जारी नहीं करते हैं ना जारी कर रहे हैं, हाँ ये जाएंगे अगर आप पता करने के लिए तो भले बता देंगे कि कितना कटअप गया है, लेकिन सबको नहीं बताएंगे, ये भी बात है। तो आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग भी अपना पोर्टल चेक करते रहिए, पल पल की अपडेट आपको आपके पोर्टल पर मिलते रहेगी। बाकी मुझे बहुत तेज लग रही है गर्मी, तो मैं जा रहा हूँ और UG वाले आराम से बैठ के जो है आइस आइस डाल के कॉफ़ी वॉफी पीते रहो, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह। कोई नई सूचना आएगी तो मैं आप तक पहुँचा दूँगा और आप सभी का प्यार बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बस इतना ही कहना चाहता था कि PG का कोई अपडेट नहीं आया है और मतलब PG का अपडेट आया है कि उनकी काउंसलिंग चल रही है, UG का कोई अपडेट नहीं है। UG वाले बच्चे कमेंट करके अपना जो है फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव।